वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, मैं स्वाति, आज मैं आपके लिए एक ऐसा हेयर मास्क लेके आई हूँ जिसे यूज़ करने के बाद आपकी जो बालों की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। गाइज, जिस हेयर मास्क की मैं बात कर रही हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा एक खुद का पर्सनल हेयर मास्क है जो मैंने खुद अपने बालों पर यूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूँ, पहले तो ये जो हेयर मास्क जिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है तो ये आपको बहुत कम मिलेंगी YouTube पे देखने के लिए, क्योंकि मैंने भी सर्च किया मुझे नहीं मिली। तो ये मेरा खुद का है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। गाइस, इसे मैं 3 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ और आपको शायद बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो बना के डालते थे कि हाँ मैं 30 दिन से यूज़ कर रही हूँ, मैंने आज यूज़ करी, मैंने कल यूज़ करा, इसका इफेक्ट ये है, वो सब लोग बोलते हैं। मुझे उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही आप मुझ पर भी विश्वास करें, बट हाँ, मेरे कहने से एक बार आप यूज़ करके देखें जो ये बनाइए। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं बात कर रही हूँ फेनुग्रिक सीड की। फेनुग्रिक सीड यानी कि मेथी दाना। मेथी दाने के बहुत सारे फायदे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा भरपूर जिसे बोलते हैं, हर चीज़ है इसमें, हेल्थ के लिए, बालों के लिए, फेस के लिए, सब चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और आपको ना पता हो तो आप यूट्यूब पे या फिर नेटवर्क पे, इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो गाइस, मैंने इसको यूज़ किया है, इसके साथ गाइस मैं यूज़ करूँगी, रुको रुको बताने वाली हूँ, जस्ट पेशेंस। गाइस, मैं इसके साथ यूज़ करने वाली हूँ अनियन जूस, और अनियन जूस की मैंने भी पहले कई वीडियो बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हाँ गाइस, प्लीज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, या मेरी वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देख लें। और आपको मैं अपना जो अनियन जूस वाली वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। चलो, अब देरी ना करते, मैं बहुत बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है, तो प्लीज़, बकवास नहीं है गाइस, ये सब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं दे रही हूँ, तो प्लीज़ जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी गाइस कि आप इसको यूज़ करें, ये फेनुग्रिक सीड और अनियन जूस का मिक्सचर है जो आप अपने बालों में एक हेयर मास्क बना के इसको लगाएंगे। तो गाइस, देखते हैं अब इसको बनाना कैसा है। आफ्टर हेयर मास्क मेरे बाल कुछ इस तरह दिख रहे हैं गाइस, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। तो चलो, अब मैं आपको बता देती हूँ इसे बनाना कैसा है। यहाँ पर मैंने एक बोल में पानी लिया है और एक प्लेट में मैंने फेनुग्रीक सीड लिए हैं। गाइस, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अपने बालों के अकॉर्डिंग फेनुग्रीक सीड लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको 1 चम्मच पानी में इसको सोक करके रखना है। गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये 24 आवर्स के लिए रखना है। बहुत से लोग इसको इंस्टेंट भी यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। ये अच्छे से डिप हो जाए, बिल्कुल 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 मोटेदार दाने जैसे हो जाए। 24 आवर्स रखने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने एक साथ में प्याज भी ली है, तो देखो यहाँ पे ये ऐसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक मोटेदार दाने जैसा हो गया है। यहाँ पे आप इसका चाहे तो जूस भी यूज़ ऐड कर सकते हैं, इट मीन्स पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से लोग इसका पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मास्क बनाना है तो हम इसमें पानी और ये जो दाने हैं दोनों ही ऐड करेंगे। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो अब इसके बाद अब हम यहाँ पे प्याज का जूस निकाल लेते हैं। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पे प्याज का जूस निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे रफली चॉप करके, क्योंकि हमें जूस निकालना है तो कुछ करना तो है नहीं। गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये जो फेनुग्रीक सीड्स है तो इसमें बहुत ज़्यादा लम्स हो जाते हैं जैसे आप इसका जूस निकालोगे। जूस निकालने के बाद ही जब इसको आप ऐड करोगे और अपने सर में अप्लाई करोगे, आप अपने हेयर में अप्लाई करोगे, तो कुछ एक रेशा टाइप का रह जाता है जो मैंने यूज़ किया। जैसे आप हेयर मास्क लगाने के बाद जब आप हेयर वॉश कर लोगे, वॉश करने के बाद आपके बालों में थोड़ा सा ये रह जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप जैसे जैसे बाल सूखते जाएंगे और आपके बालों से ये उड़ता चला जाएगा। ये कुछ इस तरह से निकला है, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, एक सूती कपड़े से इसको आप छान सकते हो, छन्नी में भी छान सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ही बेटर लगा, तो मुझे लगा ऐसे ही यूज़ करना ही ठीक है। गाइस, मैं यहाँ पर कुछ दो चीज़ बहुत अच्छी यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये अनियन जूस ऐड करेंगे, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कैस्टर ऑयल के यूज़ आपको पता हैं, और साथ में मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। ये दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं हेयर ग्रोथ के लिए। अब बस आप इसको अच्छे से मिला लीजिए और सर में अप्लाई करें। आप इसको पूरे स्टेम में भी लगा सकते हैं, आप इसको स्कैल्प पे लगाइए। अच्छा, इसके साथ साथ आप इसमें जो एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, कुछ इस तरह से ये बना है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आया है। तो चलो, अब इसको देखते हैं लगाना कैसे है।
गाइस लगाने का तो बिल्कुल सिंपल इजी मेथड है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। बस बालों के पार्टीशन करके आप सबसे पहले इसको अपने स्कैल्प पे लगाइए, स्कैल्प पे ज़्यादा लगाइए। अगर आपका ये जो मिक्सचर है बचता है, बैटर बचता है, तो आप अपने बालों की लटों में भी लगा सकते हैं। तो गाइस चलिए आप ये देखिए कैसे लगाना है और वीडियो को इन्जॉय कीजिए। और आपको बता देती हूँ, ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है, 30 मिनट के लिए लगाना है। 30 मिनट बाद आप किसी भी शैम्पू से आप हेयर वॉश कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा हेयर मास्क। अगर आपको मेरा हेयर मास्क अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्लीज़ मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय टाटा।